तो हेलो यार, ये राइडिंग ऑन द एज ऑफ एवोल्यूशन का एपिसोड 7 है। अगर इससे पहले के एपिसोड नहीं देख रहे तो क्या कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी जाके देखो। वीडियो को अब स्टार्ट कर लेते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में वो लड़का शो को कहता है कि मैंने सुना है तुम्हारे पास कुछ एबिलिटी है, पर तुम्हें हम बड़े लोगों के सामने तो सिर झुकाना होगा, नहीं तो पता ही है तुम्हारे हाथ पैर टूटने वाले हैं। वैसे अरीना के रूल्स के हिसाब से तो हम तुम्हें मार नहीं सकते, पर गेम में क्या तुम जीत पाओगे, क्योंकि तुम्हारे तो हाथ पैर भी टूटे हुए हैं। शो इनकी सब बकवास सुन के कहता है कि तुम्हें जो करना है वो तुम कर लो। तभी वो लड़का वापस कहता है, काम करो, अपना ब्रेसलेट मुझे दे दो, जिससे हम एक ट्रेड कर लेते हैं। तो शो मना कर देता है। तो वो बंदा कहता है कि तुम चुपचाप अपना ब्रेसलेट दे दो, वरना तुम्हें पता ही है मैं क्या करने वाला हूं। शो कहता है कि अगर ये अकेला है तो मैं इसे देख लूंगा, बट इसके पीछे दो लड़के हैं, मुझे ये सब सहना ही होगा। तभी वो बंदा शो को कहता है कि अपना ब्रेसलेट आगे करो, और शो आगे कर देता है। तभी ब्रेसलेट पे ऑप्शन आता है कि पॉइंट्स ट्रांसफर हो रहे हैं। तभी वो लड़का हंसने लगता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता तुम इतने आराम से मान जाओगे। तभी शो उसके मुंह पे बहुत तेज मुक्का मारता है। मुक्का पड़ते ही तो उस लड़के का मुंह सूज जाता है और शो कहता है, अगर मैं अपने पॉइंट्स को बचा नहीं सकता तो फिर मेरे का गेम खेलने का भी कोई मतलब नहीं है, और मैं अपने पॉइंट्स भी अब तुम्हें नहीं दे रहा। फिर वो लड़का कहता है कि इसने मुझे मारा कैसे, इसको तो मुझे ठोकना ही पड़ेगा। फिर शो के ऊपर वो सब मिलके अटैक कर देते हैं, और तभी कुछ पास में खड़े हुए लड़के एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि ये है कौन। तभी वो दूसरा लड़का कहता है, ये तो एओ है, जन है, लगता है ये फिर पागलपंती करने लग गया। तभी उनके पीछे से जियांग जा ही रहा होता है और उसे देखता है। तभी शो कहता है कि मेरे को ये सिस्टम की पावर क्यों मिली, और सबको भी तो मिल सकती थी। तभी शो के पीछे से एक लड़का उसे मारने वाला होता है, जिसे शो मार देता है। तभी शो अपनी वॉच को देख के कहता है कि जब तक मुझे अपनी पावर नहीं मिलती मुझे इनसे बच के रहना होगा। तभी शो के पीछे से एक लड़का उस पर अटैक कर देता है, जिससे शो बच के कहता है कि इसके पास कितनी पावर है। पर शो एक हमले से तो बच जाता है, पर दूसरी बार वो उसके चोट पे लगी हुई जगह को दबा देता है और पूछता है कि तुम्हें यहाँ दर्द हो रहा है क्या। तभी शो बहुत जोर से चिल्लाने लगता है और जो लड़का शो से पॉइंट मांग रहा होता है वो उठ के शो को बहुत जोर से मारता है, जिससे शो थोड़ा दूर जाके गिरता है। पर उन लड़कों में से एक लड़का कहता है कि पागल लड़के उठ, हमसे वापस लड़ने की कोशिश करना। तभी वो लड़का जो शो से पॉइंट मांग रहा होता है वो अपने दोस्त को कहता है कि जाओ उसके पास और उसकी टांग तोड़ दो। तो वो उसके पास जाता है और कहता है कि मैं इसके लेफ्ट वाली टांग तोड़ू या राइट वाली टांग तोड़ू। तभी शो कहता है कि मुझे सच में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है और अभी मेरी 152 BPM हार्ट बीट हो रही है, शायद इससे ज्यादा हो तो मैं उसको मार सकता हूँ। क्या मैं सच में भी बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ, अगर ऐसा है भी तो मैं इनके सामने बिल्कुल भी हार नहीं मान सकता। तभी जो लड़का शो को मारने आता है वो उसके ऊपर कूदता है उसे मारने के लिए और कहता है, तुम्हें अभी भी हिम्मत है लड़ने की जो तुम खड़े हो चुके हो, चलो ठीक है मैं तुम्हारा लेफ्ट वाला पैर तोड़ता हूं। तभी नोटिस आता है कि शो की हार्ट बीट 160 BPM से ऊपर चली गई है और आने वाले 5 सेकंड के अंदर उसको लेवल 2 की पावर मिल जाएगी। तो शो को पावर मिल चुकी है और शो को पता चल जाता है कि वो उन्हें कैसे मारने वाला है। तो शो कहता है कि मुझे सब दिख रहा है। तो अब लेवल 2 की पावर शो के पास 2 मिनट तक होती है और 2 मिनट तक मैगी बने ना बने शो इनकी चटनी जरूर बना देगा। अब वो लड़का जो शो को मारने आता है शो उसको नीचे गिरा देता है पहले तो, और फिर दे मुक्के की देख के उसको दीवार में घुसा देता है। और वो लड़का ये देख के शोक था कि शो के पास इतनी तेज भागने की पावर कहां से आई। तभी शो के पीछे जो लड़का खड़ा होता है वो भाग के आता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। तभी शो कहता है कि मेरे पास अभी बहुत कम टाइम बचा है, मेरे को इनको एक साथ ही जल्दी मारना होगा। तभी जो शो के पीछे लड़का था वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा फास्ट है। तभी शो पीछे मुड़ के उसके मुंह पे लात देके उसे मार देता है और वो दूर जाके गिर जाता है। फिर वो जो लड़का जो नीचे गिर जाता है वो कहता है कि ये इतना पावरफुल कहां से हो गया, हम तीनों ही इससे हार गए। तभी शो कहता है कि क्यों ना मैं तुम्हारी एक टांग तोड़ दूं या फिर तुम्हें अपने पैरों से कुचल दूं। तभी वो लड़का कहता है कि तुम जानते नहीं हो कि मेरे पीछे कौन खड़ा है, वो छोड़ेगा नहीं तुम्हें। तभी शो कहता है कि तुम मौत से बहुत डरते हो और तुम मुझे वापस धमकी दे रहे हो। शो उसको पैर से कुचलने वाला होता है तो वो कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें बिस्कुट दे दूंगा। तभी वो लड़का शो की तरफ देखने लगता है और शो साइड में पैर रख देता है और कहता है कि तुम रूल्स तोड़ने लायक नहीं हो, और बिस्किट्स उठा लेता है। शो कहता है कि मैं ये बिस्किट इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि तुमने मुझे इतना परेशान करा और मारा भी सही। वहां पर जियांग खड़ा होता है और कहता है कि ये तो मेरी कुछ एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही बढ़ रहा है, मतलब मुझे इसको थोड़ा नीचे करना होगा वरना ये तो कल को गेम जीत जाएगा। तभी वहां पे कुछ लड़के खड़े होते हैं जो कहते हैं कि इसमें कितनी हिम्मत है जो इसने एओ हैगन के बिस्कुट्स ले लिए, क्या ये डरता नहीं है कि उसे छोड़ेगा नहीं। तभी वो लड़का जो शो से पॉइंट्स मांग रहा होता है वो उड़ता है और कहता है कि तुम्हारा नाम शो भाई है ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और यहीं पर ही एपिसोड्स एंड होता है। तो चलो यार, एपिसोड 7 तो यहीं खत्म होता है, पर तुम लोग सोचते होंगे कि मैं वीडियोस क्यों नहीं अपलोड करता। वो वीडियोस इसलिए अपलोड नहीं होती क्योंकि कुछ तो पर्सनल रीजन है और तुम कमेंट नहीं करते, जिससे मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता वीडियो बनाने का। तो यार कमेंट कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को यहीं एंड करते हैं।